What's up, Sigmar में कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर एनएलएसएमपी वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक पूरे के पूरे लावा के एरिया को ड्रेन, लिटरली बहुत ही बड़ा एरिया होने वाला है, और ड्रेन करने के बाद उसे मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ ओवर वर्ल्ड में। जी हाँ, ओवर वर्ल्ड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो यार इस वीडियो को एंड तक बने रहना। एंड इस वीडियो के एंड में आपको एक बात पता चलेगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा, लाइक कितना टाइम, फिर कितने डेज लगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए शल्कर बॉक्सेस, क्योंकि हमारे पास शल्कर बॉक्सेस की बहुत ही यानी कि बहुत ही ज्यादा कमी है। तो सबसे पहले चलते एंड में और मैं मिलता आपको एंड में जाके ही। नाउ मैं अभी आ चुका हूँ अपने पहले वाले यहाँ पर एंड सिटी में। तो इधर में ना मैं पहले भी आ चुका हूँ, देखो यहाँ पर एंडर चेस्ट दिख रही होगी आपको, यहाँ पर मैं पहले आके इलाइट्रा लूट के गया था। पर अभी मुझे क्या करना है, पर देखते हैं कि यहाँ पर मेरे को शल्कर्स मिलेंगे या फिर नहीं। यहाँ पर शल्कर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भाई ढूंढना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ गाइस देखो, अब मेरे पास ना अभी 16 शल्कर सेल्स आ चुके, जैसे कि मैं माना सकता हूँ 8 शल्कर बॉक्सेस। ठीक है, तभी चलते सीधा ओवर रोड में और अपने बाकी के काम की तैयारी करते हैं। ठीक है, अभी ना मैं आ चुका हूँ ओवर रोड में, मैं अभी अपने बेस के अंदर। एंड अभी जो जो सामान मैं लूट के आया हूँ उन सबको रखते हैं। इसके अंदर मुझे मिला एक डायमंड की लेगिंग, जिसपे लगी मेंडिंग अनब्रेकिंग थ्रू प्रोटेक्शन 4, बहुत अच्छी है, अपने काम आ सकती है बहुत। ठीक है, अगर इस पर मैं एंशेंट नेदरराइट लगाऊंगा तो भाई बहुत अच्छी बन जाएगी है। मेरे को प्रोटेक्शन 4 की चेस्ट प्लेट भी मिली और आयरन का हेलमेट भी मिला, जो कि इसका कोई फायदा नहीं है अभी। ठीक है, लाइटर रख देते ऊपर और डायमंड ये सब रख देते। टोटम नहीं भाई, टोटम चाहिए मुझे, टोटम बहुत ज़रूरी है भाई, पता चला लोग फिर से हमला करने आ गए तो भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे एंड चल को इसको ऊपर, इसको इसको ऊपर एंड इसको भी ऊपर, इसको भी ऊपर। या तो देखो अभी ये जो सामान है ना वो अपने नॉर्मली यूज होने के लिए सामान है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, वुड लेना है ताकि मैं शल्कर शेल्स को बना सकूँ, शल्कर बॉक्स में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले वुड हो गया, स्प्रूस के प्लैंक्स बन चुके अपने पास 32 एंड चेस्ट बनाने, चेस्ट कितने बन रहे, टोटली 4 बन रहे ना, तो अपने को और चाहिए। ठीक है, और वो चाहिए होगी यहाँ से लेकर 4 प्लैंक्स और 4 लॉक, सॉरी 4 प्लैंक्स की बात कर रहा हूँ गाइस। एंड अभी क्या करना है, जल्दी जल्दी से यहाँ पर देखो और चेस्ट बनाते, 2 बन गए हैं और 6 हो गए, बस एक और लगेगी ताकि यू नो अपने पास 7 चलकर बॉक्स बनने के लिए है ना, इसलिए मैं और लेने वाला हूँ चल कर। ये बात है, ये बन गए और एक और चेस्ट, 31 एंड अभी बन गए सारे के सारे के 7 के 7। देखो हमारे पास एक और है क्या, बस छोड़ यार, अभी नहीं बनूंगा ये, छोड़ जान दिए, फिर कभी बना लेंगे। एंड अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों में ना मेरे को सैंड भरना है। ठीक है, सैंड लेके आता हूँ, इन दोनों में सैंड भर के, मेरे पास शवल नहीं है तो मेरे को शवल मांगनी पड़ेगी, डायमंड की मांग लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो गाइस अभी जो है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ सैंड वाली बीच पे। ठीक है, बीच हमेशा सैंड वाली होता है, सबको पता है। ठीक है, तो यार जल्दी से इसको माइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार मैं वेट करता हूँ सारा का सारा, तीन नहीं 2 शल्कर बॉक्स ये जो भर के आपको मिलता हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी देखो मेरे पास ना 2000 सैंड आ चुके हैं इस शल्कर पे बन के, इस शल्कर पे बन के 2000 से भी ज़्यादा आ चुके हैं आप पर एक देख सकते हो। एंड अभी मुझे क्या करना है, इनको स्मेल्ट भी करना है। ठीक है, स्मेल्टिंग के लिए भी रखना है। तो मैं क्या सोचता हूँ ना, यहाँ पर ना एक यानी कि एक शल्कर भर के ना मैं
यहाँ पर स्मेल्टिंग के लिए रखूंगा और बाकी का जो है मैं साथ लेकर चलूंगा, ठीक है। तो देखो गाइस अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर ना, मैं एक छोटा सा एक चीज लेके आया हूँ, इतना भी प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बस इसके ऊपर ये रखना है एंड इसके ऊपर ये रखो एंड इसके ऊपर रखो ये। तो अगर इस पे मैं देखू, नहीं इस पे नहीं, सॉरी सॉरी, रुको ना, ऐसा इधर से उठाओ एंड रुको, यहाँ से ना इधर से चलते ऊपर की तरफ चलकर आ चुका है। इसके ऊपर एक गियर रखो एंड इसके ऊपर रखना है अपने को अभी एक चलकर बॉक्स, ठीक है, सैंड वाला है अभी इसके से। हाँ देखो जा रहा है इसमें से, आई थिंक अभी इसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है, रुको देख रहा हूँ मैं। एंड इसके अंदर ही, अब इसके अंदर ही आ रहा है। अगर क्या होगा अगर इसके अंदर मैं डालूंगा कोल एंड देखते कि क्या होगा अभी। जल्दी 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 जल्दी, ओके ओके, ये अब गाइस देखो ऐसा आ रहा है। तो मेरे को पूरा का पूरा स्मेल्ट करना पड़ेगा, स्मेल्ट से पूरा का पूरा स्मेल्ट होने के बाद मेरे को और कोल लाना पड़ेगा। मेरे कोल तो यूज़ नहीं करना, मैं वुड डाल दूंगा उसमें, कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। तो या मैं उस सब करने के बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। देखो डेढ़ घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इतना सारा ग्लास स्मेल्ट हुआ है, डेढ़ भी नहीं यार 2 घंटे हो गए, तो इतना सारा ग्लास स्मेल्ट हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे को इतना ग्लास इनफ होगा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि और सैंड लेके आते माइनिंग करके, ठीक है। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पर ना सैंड भी कलेक्ट कर लिया है और ग्लास भी कलेक्ट कर लिया है, और लिटरली बहुत टाइम लगा है इसको कलेक्ट करने में, लाइक यू नो आपको पता ही स्मेल्टिंग के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगता है। एंड सैंड कलेक्ट करने के लिए भी देखो यहाँ पर देखो सकते तुम कितने सारे सैंड जमा हो चुके हैं। यहाँ पर ग्लास भी मैंने जमा कर लिए, 3 शल्कर यानी कि 3000 ग्लास है और 6000 से भी ज़्यादा मेरे पास सैंड है, ठीक है। तो यहाँ अभी इसको लेके मैं चलता हूँ सीधा नेदर के अंदर, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो अभी मैं नेदर में आ चुका हूँ एंड अभी मुझे एक लोकेशन पर जाना है, एक लावा वाली, वो मैंने पहले से ही ढूंढ के रखी है। तो मैं चलता हूँ वहाँ पर, आपको भी दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर है, इस बैशन के उस तरफ है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर ये जो लोकेशन ना, यहीं पर मैं ना लावा को ड्रेन करने वाला हूँ और उसको कन्वर्ट करने वाला हूँ ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा बट यही जगह मुझे बहुत सबसे बड़ी मिली, ठीक है। और मैं इंडिया का पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने इतनी बड़ी एरिया को ड्रेन किया होगा और उसको ओवरऑल में कन्वर्ट किया होगा। मुझे पता है बल्कि स्टार ने भी किया है बट उसका एरिया छोटा है, मेरे जितना नहीं है। और अब मैंने उसके वीडियो देख के ही इंस्पायर हुआ हूँ मैं उससे कि मैं भी एक लावा पुल को ड्रेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी चलते अपना सारा का सारा कंट्रैप्शन शुरू कर देते, लावा सॉरी सैंड बिन डाल देना नीचे, ठीक है। तो या मैं चलो भी चलते आगे की वीडियो की तरफ। तो अभी आप लोग देख सकते हो क्या ही एक नंबर अपना एक स्क्वायर टाइप हो चुका है, ताकि रेक्टेंगल है बट यह स्क्वायर है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले मैं इतना एरिया ड्रेन करूँगा और बाकी मैं इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करके और थोड़ा सा एरिया ड्रेन करूँगा, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पीछे यार जो ये है ना शल्कर्स, वो सारे के सारे खाली हो चुके हैं, उनके अंदर ना सैंड थी वो भी खाली थी बट थोड़ी सैंड बची हुई, इतने भी खाली नहीं हुई। अभी मुझे क्या करना है, मुझे जाना है ओवर वर्ल्ड और बहुत सारे स्कैफ फोल्डिंग्स लेके आना है। तो यार मैं चलता अभी ओवर वर्ल्ड में स्कैफ फोल्डिंग्स लेके आता हूँ।
ना होगा। देखो अभी मैं ओवरऑल में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर देखो मेरा एक बैम्बू फार्म था सबसे पहले, और वहाँ पर अभी तक उसके अंदर बैम्बूज है, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, सारे के सारे बैम्बूज को ना स्कैफोल्डिंग कन्वर्ट करना है। तो यार इन सब सामान को मैं इन्वेंटरी का जो खाली करता हूँ शल्कर बॉक्स के अंदर, एंड सारे के सारे बैम्बूज को बनाता हूँ स्कैफोल्डिंग्स, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, मैं आखिरी स्कैफोल्डिंग्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे डालूंगा, और ये भर चुका है अपना सारा का सारा शल्कर स्कैफ फोल्डिंग से, ठीक है। तभी मेरे को क्या करना है, इनको बस लेके जाने का है। सबसे पहले शल्कर को तोड़ता हूँ मैं, या अभी चलो चलते हैं। इसके अंदर भी है, ठीक है, इसके अंदर भी स्कैफ फोल्डिंग से का दो शल्कर बॉक्स भर के स्कैप फोल्डिंग से, इतना याद रखना, ठीक है। चलते हैं अभी सबसे पहले यहाँ पर, वहाँ पर भी एक मेरा शल्कर बॉक्स है जिसके अंदर मेरा सामान है, तो उनको भी लेके चलते हैं वापस से नेदर में। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ नेदर के अंदर और एक बार, एंड यहाँ से मुझे बस शल्कर से निकलना है सैंड मेरे लिए, एंड यहाँ पर मुझे प्लेस करते जाना है एक लेयर, मतलब पूरा का पूरा ऊपर तक। जब तक नहीं आता तो प्लेस करो। ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा भाई, जल रहा है आई थिंक ये। हाँ ये जल रहा है। मैं काम करता हूँ ये, मैं अपन चेस्ट पिट एंड चलो नीचे सीधा। चल 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 सामने ब्लॉक को तोड़। ओके बिक गया ब्लॉक, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। सैंड 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 सैंड। ओके प्लेस होके चलो ऊपर ऊपर चलो ऊपर चलो। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे पास टोटे में पॉप हुआ तो मेरे को फायर रेजिस्टेंस का इफेक्ट मिल जाएगा। ओके टूट ही गया भाई। नीचे क्यों जा रहा हूँ मैं, ऊपर चल भाई। सैंड प्लेस हो जाए प्लेस हो जाए। ओके हाश भाई साहब वापस आ चुका ऊपर, एंड अभी मुझे क्या करना है, स्कैफोल्डिंग्स लगाते जाना है एक के नीचे। अबे यार फिर से गिर गया, व्हाट द हैक। अच्छा मुझे स्कैफोल्डिंग एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लगाते हुए जाना है। क्या गाइस मेरे पर सारे के सारे सैंड लगा था, आप रिप्ले इंजॉय करो। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं पूरा एक छोटा सा एरिया में ड्रेन कर दिया है, बहुत ही टाइम लगा पड़ गया, मैंने ड्रेन तो कर दिया है। और अभी मुझे क्या करना है, सारा का सारा इलाई वाला एरिया ड्रेन करना है, या आपके लिए तो कर दूंगा सारा का सारा, बहुत टाइम लगेगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको सारा का सारा एरिया ड्रेन करने के बाद। तो नाउ गाइस देखो एंड में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी भी बहुत सारा लावा बचा है, इन सबको मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड तुम देख पाते, मैंने यहाँ पर मशीन्स बनाई थी मैंने यूट्यूब पर देख कर, कि कुछ और भी तरीका है क्या लावा को ड्रेन करने का। तो आप उन्होंने मेरे को मशीन दिखाई, तो मैंने ये मशीन बनाई है। तो चलो यार गाइस देखो अभी ना थोड़ा सा लावा बचा है, उन सबको क्लियर करता हूँ एंड मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आप तब तक ना मेरा टाइम लैप्स देखो और इन्जॉय करो, ठीक है। तो देखो गाइस अभी मैं क्या करने वाला, इतना एरिया तो हमने ना ये कर लिया है स्कैफोल्डिंग से क्लियर कर दिया है।
तो मैं क्या कर सो रहा हूँ, इस मशीन को ना थोड़ा सा उस तरफ सरका के, लाइक देखो यहाँ से ना, यहाँ से उस तरफ सरका के चालू करूंगा ना, तो यहाँ का जो मेन मेन लावा है ना, जो तुम देख पा रहे हो वहाँ पर जो है ना, एक मेन सोर्स है लावा का, सोर्स है वो सब गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को ईजी हो जाएगा और भी करना, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम स्कैफोल्डिंग बची है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सब स्कैफोल्डिंग तोड़ के ना वापस से प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब के लिए मेरे को सबसे पहले इस मशीन को उस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ, उसके बाद मिलता है आपको, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पर मैंने बना लिया है या इस इधर का रिपीटर, मतलब बोल सकते हैं रिपीटर है, क्योंकि उस मशीन को रिपीट फेंकता है पीछे की तरफ, ठीक है। एंड मैं रिपीटर लाने गया था, बट ये भूल गया कि इधर भी एक मशीन थी, फिर मैंने इसको तोड़ के ना उसी का सामान लगा दिया। एंड अभी मुझे क्या करना है, बस उसको जाके एक्टिवेट करना है, एंड देखते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे बस मशीन एक्टिवेट करना है। ओ भाई समझ गया, देखो ये ब्रो गाइस देख रहे हो, पूरा पूरा वर्क कर रहा है फिर को गाइस देखो, एक नंबर गाइस देखो, सारा कलर लावा अपना ड्रेन हो रहा है एकदम अच्छे तरीके से। मैं मर जाऊंगा खाली भाई, देखो सारा कलर एकदम क्या मक्खन मेरे ये हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ड्रेन हो रहा है यहाँ पर। देखो यार अभी वहां से एक बार रिपीट आएगा, देखो देखो एक बार, देखा एक बार वापस आएगा रिपीट, और ये डिजाइन मैंने बनाई है लाइक अभी तक के लिए, ठीक है। ऐसी डिजाइन अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाई। अभी ना होगा देखो, अभी जो तुम देखने हो लिटरली तुम हैरान हो जाओगे कि मैंने इतने बड़े एरिया को ड्रेन किया है। लुक एट दिस गाइस, बस तुम एक बार देखो, ये देखो रेंडर नहीं हो रहा यार मेरा, देखो देखो कितो गाइस, देख ही सकते थे मैंने कितना बड़ा एरिया ड्रेन किया है यहाँ पर। मैं इंडिया का पहला ऐसा बंदा हूँ जिसने इतना बड़ा एरिया नदर के अंदर लाव में सरोवर में ड्रेन किया हुआ होगा। हाँ मुझे पता है कि बल्कि स्टार ने भी किया था, और उसने भी ऐसा ही कहा था कि मैं पहला ऐसा बंदा हूँगा इंडिया में जिसने इतना बड़ा किया होगा। बट तुम एक चीज़ नहीं ध्यान दे रहे, उसका जो सर्कल था वो एरिया था वो सर्कल में था, लाइक वो सर्कल और ऊपर से वो छोटा भी था, मैंने एक स्क्वायर में किया और वो भी बड़ा बड़ा वाला है, ठीक देख रहे हो। और लिटरली यार इसको करने में बहुत मेहनत लगी है, मैं पूरी एक आखिर रात सोया नहीं हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ आखिर रात सोया नहीं हूँ, बस सुबह बस जैसे ही उठा मम्मी के उठने से पहले बस 1 घंटा सोया, और ज़्यादा नहीं सोया, ठीक है। तो बस यार गाइज एक लाइक कर देना, आप इधर तक देख रहे हो तो इतनी मेहनत चल रही है यहाँ पर, एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखो जल्दी से ये क्या किधर गया अपना, हाँ ये ग्लास वाला नीचे रखो, ये भी। तो मुझे क्या करना है गाइस देखो, ये जो सैंड था उनके बदले ना मुझे यहाँ पर ग्लास लगाने, ग्लास ग्लासेस लगाने, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्लासेस लिख लेता हूँ हाथ नीचे की तरफ, एंड एक क्या करता हूँ, एंड देखो मुझे मैं नेदरराइट ब्लॉक्स माइनिंग करता है इसके लिए, ब्लॉक्स लगाने के लिए, उसमें मेरे को 2 एंशिएंट डेब्रिस मिल गए, लाइक यू नो मतलब फायदा हुआ मेरा, ठीक है। तो यार चलो गाइस चलते हैं अभी जल्दी से, ये सारा का सारा जो है मैं ना क्लास में कन्वर्ट करता हूँ, और उसके बाद और आगे का प्लान देखते, ठीक है। या अभी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तेरे पास शवल कहाँ से है डायमंड की, अभी तो नहीं थी, तो मैं ओवरवर्ल्ड में जाके वापस आया हूँ यार, बहुत टाइम लगता है यार, मेहनत बहुत लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पर सारा का सारा ग्लास लगाता हूँ, आप इंजॉय करो तब तक, ठीक है। ठीक से नहीं लग रही ग्लास, क्या कर रहा है सिग्मा। वैसे मुझे पर और भी डायमंड की शेवल की जरूरत लगेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक डायमंड शेवल के काम होने वाला है, क्योंकि लाइक ये जब मैं सैंड कलेक्ट कर रहा था ना, यही वाले सैंड मेरे को चार 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 हाँ चार आई थिंक डायमंड की शवल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तोड़े इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि एक शवल से यहाँ पर काम बनने वाला है।
तो गाइस देखो अभी ना यहाँ पर मेरे एक वॉल तो कंप्लीट हो चुकी है, मेरी सारे की सारे ग्लास से मैंने लगा दिए। एंड इसमें ना मेरे को एक शलकर भर के भी ग्लास नहीं लगाए, ठीक है। मेरे को अभी देखो कितने, देखो 458 ग्लासेस अभी भी बचे, यानी कि नो स्टैक आई थिंक ग्लासेस बचे हैं। एंड मेरे हाथ में भी यहाँ पर देखो, यानी कि मेरे को इतने ज़्यादा ग्लास की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कि मेरे मैं सोच रहा था कि भाई मेरे को बहुत सारी ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे को आप इसे ना सैंड को स्मेल्ट करना पड़ेगा, बट ना अब मुझे तो लगता है कि ये पूरा होता है, ठीक है। तो यार गाइस देखो अभी ना मैं पूरा का पूरा कवर करने के बाद फाइनल आपको लुक दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो नाउ गाइस अभी तुम जो देखोगे रियली हिल जाने वाले हो, क्योंकि अभी जो है मेरा सारा का सारा काम पूरा हो चुका है। एंड ये देखो बेडू क्या दिख रहा है, खतरनाक भाई साहब। मेरे को तो यार लिटरली बहुत ही पसंद आया, और ऊपर यार मेरी मेहनत बहुत लगी तो ऑफ कोर्स मुझे पसंद आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तो यार अभी क्या करना है, मुझे जल्दी से जाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से जाना है ओवरऑल में सिल्टस की 4-5 पिकैक्स बनानी है, और जितने सारे जो जितने भी सारे हो सके ना मेरे को ये करना है, मेरे को क्या बोलते हैं ग्रास ब्लॉक कलेक्ट करना है मुझे बहुत सारा। एंड यहाँ पर आके बिछाना है मेरे को, ठीक है, ग्रास ब्लॉक, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बनाना है एक। तो गाइस देखो मैं ओवर वर्ल्ड में तो आ चुका हूँ, एंड अभी मुझे क्या करना है, मुझे जाना है मेरे बेस में और सारे के सारे इन्वेंट्री क्लियर करने एक बारी, और एमरल्स लेके आने हैं क्योंकि मेरे सारे के सारे एमरल्स मेरे बेस के अंदर ही है। तो यार मैं मिलता हूँ आपको मेरे बेस के अंदर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो गाइस देखो यहाँ पर ना अभी मेरे सारे के सारे शोवल्स एन्चांट हो चुके हैं, एंड मुझे भी क्या करना है, एक माउंटेन या फिर कुछ भी ग्राउंड ढूंढना है, एंड वहाँ से मेरे को सारे के सारे जो ग्रास ब्लॉक्स है ना वो मुझे को लेना है एक माइन करते हुए। तो यहाँ पर मुझे एक एक लेवल का मैदान दिख रहा है, लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पर एक ग्राउंड दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना यहाँ पर इन सबको माइन करता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो अभी ना मेरे पास 3,000 ग्रास ब्लॉक आ चुके हैं जो कि मैंने इस तरफ से माइनिंग किए थे, एंड मुझे इन ग्रास ब्लॉक को लेके जाके बस नेदर के अंदर जाके प्लेस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलते सीधे से अपने नेदर के इधर अंदर, मैं मिलता हूँ आपको उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन अपने हमने सब माइन किया था। तो गाइस देखो अभी ना मैं नेदर में आ चुका हूँ उसी लोकेशन पे, एंड मेरे पास ग्रास ब्लॉक्स भी है। तो मैं क्या करता हूँ ना एक एक करके प्लेस करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एंड या आप जब तक टाइम लैप्स देखो तब तक मैं सारा का सारा प्लेस करके आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो अभी ना मैं वापस ओवरऑल में आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऐसे सैपलिंग चाहिए, ठीक है। ये सैपलिंग लेने आया हूँ, अभी आप समझ गए होगे कि मैं क्यों सैपलिंग लेने आया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि इस बड़ी सी चेस्ट के अंदर कौन से चेस्ट में है। तो देखो यहाँ पर 50 सैपलिंग मिल चुके, ओके इसको लेके चलते। एंड मेरे पास ना इसके भी क्या बोलते हो उसको स्प्रूस के सैम्पलिंग्स भी है मेरे पास उस वाली चेस्ट पे, यहाँ पर मेरा मेन बेस है। तो वहाँ पर जाके वहाँ से ना स्प्रूस के सैम्पलिंग्स लेके आते हैं, चलो गाइस। तो स्प्रूस के सैम्पलिंग भी मिल चुके हैं, एंड यहाँ पर मेरे पास एशिया का एक है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो अभी चलते सीधा मैं आपको नेदर के अंदर मिलता हूँ। तो गाइस अभी जो आप देखोगे ना बहुत ही नेक्स्ट, आप हिल जाओगे। अभी ना मेरा सारा का सारा काम हो चुका है, मैं दोनों के दोनों सैम्पलिंग्स भी लेके आ चुका हूँ, एंड अभी चलते हैं वहाँ पर और आप देखो क्या ही हो चुका है अपना। देखो गाइस भाई साहब देख रहे हो गाइस, ये देखो
का पूरा मेरे ग्रास से कवर कर दिया है, और मेरे पास डर्ट नहीं था ना, मतलब ग्रास खत्म हो गई थी इसलिए डर्ट लगा दिया मैंने, और डर्ट ना कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर सोचा कि टॉर्चेस लगाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे टॉर्चेस लगाए, फिर सारा का सारा डर्ट कन्वर्ट हो चुका ग्रास ब्लॉक में। और अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पर सैपलिंग्स लगाने एंड इनको ये करना है। तो यार चलो चलते हैं अभी सैपलिंग्स लगाते हैं, मैं आपको सैपलिंग लगा के बाद मिलता हूँ। तो गाइज देखो, अभी जो आप देखने वाले वो होने वाले फाइनल रिजल्ट। देखने दिखाने से पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मेरे को बहुत ही एफर्ट्स लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को बनाने के लिए 3 दिन लगे, या 3 दिन अगर एडिटिंग की बात करी जाए तो फिर मेरे को टोटल 4 दिन तो लगे गए हैं, इसलिए मेरा वीडियो इतना लेट आया ये वाला। एंड अभी देखते हैं अपना एंड वाला रिजल्ट, आपको देख ही गया होगा कि एक पार्ट ये देखो, ये देखो गाइस, पूरा का पूरा एरिया मैंने ओवरवर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया, देखो पूरा का पूरा देख रहे हो आप यहाँ पर। एंड गाइस इस मेहनत के लिए, इसको मैंने बहुत ही मेहनत से काम किया भाई, मैं रात में सोया नहीं हुआ इसके लिए, पता है बस मैं 1 ही घंटा सोया हूँ, बट इसके लिए भाई 1 लाइक तो बनता है भाई, 1 लाइक कर देना गाइस, जो जो इस वीडियो को देख रहा है लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो यह भी मिलता है आपको अगले ऐसे ही दासू बिल्ड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।